भारत रत्न पाई आउ तीन जन ना घोषणा कले केंद्र सरकार। पूर्वतन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिंह राव एवं कृषि वैज्ञानिक तथा सबुज विप्लवर जनक एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न रे सम्मानित करा जिवो। देशर सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान ने आज केंद्र सरकार एही तीन जन महान व्यक्तित्वक ना घोषणा करिसेंती। पूर्वरु बिहार पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा समाजसेवी कर्पूरी ठाकुर एवं पूर्वतन उप प्रधानमंत्री तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न रे सम्मानित करबा नै घोषणा करा जैतिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एने एक्स जोगे सूचना देथिले। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिंह राव एवं एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न प्रदान नै मध्य प्रधानमंत्री एक्स जोगे सूचना देछंती। प्रधानमंत्री मोदी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न रे सम्मानित करबा नै घोषणा करी कहिछंती। चौधरी चरण सिंह कृषि एवं कृषकों अधिकार तथा कल्याण पाएं जीवन को उत्सर्ग करपरी अन्य एक पोस्टर प्रधानमंत्री कहते पूर्वतन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को भारत रत्न सम्मान सम्मानित हो भारत को आर्थिक दृष्टि उन्नत करवा तथा देशर समृद्धता और विकास क्षेत्र में गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एम एस स्वामीनाथन नाम को भारत रत्न घोषणा कर खूब खुशीर विषय कि देशर कृषि और कृषकों कल्याण क्षेत्र में उल्लेखनीय अवदान पर भारत सरकार डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न प्रदान करने को जाशर आह्वानपूर्ण समय रे कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भरशील होबारे साहाज्य करिबारे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले। भारतीय कृषि को आधुनिकीकरण करने क्षेत्र में उल्लेखनीय उद्यम करथिले। डॉक्टर स्वामीनाथन को दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व केवल भारतीय कृषि को परिवर्तन करिना ही बरम देशर खाद्य निरापत्ता तथा समृद्धता को मध्य दृढ़ करिछि। से जने व्यक्ति जहाँ को मु अति निकटरु जानिथिली एवं सर्वदा तांको दृष्टिकोण को सम्मान जणाउथिली बोली प्रधानमंत्री कहिछन्ती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 95 ओडिया।